सो हे गाइस जी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 9 या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन SE 2 के बारे में। इस फोन के बारे में काफी कुछ निकल के आ चुका था और साथ ही में अभी फिलहाल में जो लीक्स आना स्टार्ट हुई है वो बताया जा रहा है कि 31 मार्च को आपको ये फोन फाइनली देखने को नहीं मिल सकता, हो सकता है आपको जून के मंथ पर देखने को मिलेगा। सो आज की इस वीडियो में बने रही है, मैं आपको फुल स्पेसिफिकेशन इस फोन की तो बता ही चुका हूँ और साथ में इस फोन की बताऊँ की लॉन्च कब होने वाला है और इस फोन की प्राइसिंग आपको क्या कुछ देखने को मिलेगी। सो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम बात करते हैं ये फोन आपको कब तक फाइनली इंडिया पर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता ही, काफी लीक्स बताते हैं कि ये फोन आपको 31 मार्च को देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको जून के मंथ पर देखने को मिले क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाएगा इसका इवेंट, तो आपको लेट देखने को मिलेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, आपको 31 मार्च को फाइनली आईफोन का 9 या फिर आप बोल सकते हैं आईफोन SE 2 देखने को मिलेगा, बट आपको इवेंट के जरिए हो सकता है ना देखने को मिले, ऑनलाइन ही इस फोन का लॉन्च हो जाए। लॉन्च के बाद आपको 3 अप्रैल से आप फाइनली इस फोन को परचेस कर पाएंगे। ये कंफर्म है कि आपको 31 मार्च को फाइनली ये फोन आपको इंडिया पर देखने को मिलेगा। अगर हो जाता है 10% चांस है कि ये फोन आपको जून पर देखने को मिले, लेट हो जाएगा, बट 90% चांस है कि आपको 31 मार्च को ही देखने को मिलेगा और ऑनलाइन इवेंट के जरिए ही देखने को मिलेगा। तो ये बात तो आपको कंफर्म होगी कि 31 मार्च को आपको फाइनली इंडिया पर ये फोन कंफर्म देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इस फोन के स्पेसिफिकेशन की, तो चलते हैं इस फोन की डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले जो इस फोन की आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी 4.9 इंचेस की, कंफर्म हो चुकी है कि इस फोन पर आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी और टच आईडी टेक्नोलॉजी के साथ में ये डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। और हम बात करते हैं इस फोन के बैक डिजाइन में, जैसे कि आपको पता है कि एप्पल के हर डिजाइन में आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, तो इस फोन पर भी आपको ग्लास बॉडी फुल देखने को मिलेगी और सेंटर पर आपको एप्पल का लोगो देखने को मिल जाएगा और सिंगल कैमरे के सेटअप के साथ में ये फोन आपको देखने को मिलेगा। और इस फोन पर जो आपको चिपसेट देखने को मिलेगा वो एप्पल की तरफ से लेटेस्ट चिपसेट एप्पल का A13 बायोनिक चिप देखने को मिलेगा, जो कि अच्छी खासी आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएगा, एकदम फ्लेक्सिबल चिपसेट ये माना जाता है। और हम बात करते हैं इस फोन के कैमराज की, तो कैमरा जो इस फोन पर आपको देखने को मिलेंगे वो रियल साइड पर आपको सिंगल कैमरा का सेटअप ही देखने को मिलेगा, जो कि 12 मेगापिक्सल का आपको रियल कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। और हम बात करते हैं इस फोन के फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट कैमरा आपको 7 मेगापिक्सल का या फिर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता है। हम बात करते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट की, तो 2 रैम वेरिएंट के साथ में जो ये फोन लॉन्च होगा वो 2 रैम वेरिएंट के साथ में ये फोन लॉन्च होगा, जो कि बेस्ट वेरिएंट होगा 3GB 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। सेकेंडरी रैम वेरिएंट आपको 3GB 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पर देखने को मिलने वाला है। और हम बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग आपको क्या कुछ देखने को मिलेगी। $399 आपको इस फोन की प्राइसिंग देखने को मिलेगी, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 28,000 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिलेगा। बट जो इंडिया पर आता है ये फोन, तो उसके टैक्स जुड़कर काफी ज्यादा प्राइसिंग हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं 35,000 से 40,000 के रेंज में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि 35 से कम ही रेंज पर ये फोन लॉन्च होता है, अगर बेस्ट वेरिएंट के साथ पर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 31 मार्च को कंफर्म है कि ये फोन आपको इंडिया पर फाइनली देखने को मिलेगा, सिर्फ 10% चांसेस है कि लेट हो जाए। अब देखते हैं ये फोन लेट होता है या फिर आपको 31 मार्च को ही देखने को मिलता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मुझे इतने कुछ बताना था। सो वीडियो पसंद आता है वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो प्रेस